हेलो फ्रेंड्स, किसी इंसान से पूछो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। वो ये कहेगा कि मैं शोहरत चाहता हूँ, मैं पैसा चाहता हूँ, मैं बड़ा घर चाहता हूँ। आप उससे ये पूछो कि आखिर तुम ये सब क्यों चाहते हो। वो अंत में आपको कहेगा, क्योंकि मैं खुश होना चाहता हूँ या हैप्पी होना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हैप्पीनेस इंसान की पहली और आखिरी नीड है, और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर 75 साल का रिसर्च किया। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से कुछ सिंपल स्ट्रैटजी को यूज़ करके आप हमेशा खुश रह सकते हैं। और दोस्तों, जब एक बार आपने खुश रहना सीख लिया तो लाइफ के अपने सबसे बड़े गोल को अचीव कर लिया, उसके बाद सक्सेस आपके पीछे भागेगी। रिसर्च ये कहता है कि हैप्पी लोग हमेशा हेल्दी रहते हैं और लंबे समय तक जीते हैं, उनके सारे काम आसान हो जाते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई रहती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर पैसों से खुशियां खरीदी जाती तो बड़े बड़े बिजनेसमैन सुसाइड क्यों कर लेते हैं। अगर नाम और शोहरत से हैप्पीनेस मिलता तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज डिप्रेशन की दवाइयां क्यों खाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं वो स्ट्रेटजीज, वो हैबिट्स जो कि हैप्पी लोगों में होती है। नंबर वन, दे नो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। दोस्तों, हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को या जो भी हमारे लाइफ में गलत होता है उसको हमारे ब्रेन में स्टोर करना चाहता है, ताकि इस तरह के खतरे से हमें फ्यूचर में बचा सके। लेकिन अगर हम अपने दिल में नफरत को, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, जो भी असफलता मिली है उसके जख्म को समेट कर रखेंगे तो हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे और हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें फिनिश हो गई उनको हम समय समय पर लेट गो करना सीखें, रिलीज़ करना सीखें, लोगों को माफ़ करना सीखें। कुछ इस तरह से हमने अपने दिल को साफ कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे, मैं तो कुछ भूल ही नहीं पाता, मैं किसी को माफ़ कर ही नहीं पाता। तो दोस्तों, अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो ये एक स्किल है, और कोई भी स्किल प्रैक्टिस के साथ सीखी जा सकती है। अगर आपने अंधेरे कमरे में एक रस्सी उठाई, अचानक लाइट जलती है और आप देखते हैं कि ये सांप है, तो आप क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। उसी तरह से ये नेगेटिव इमोशंस आपकी लाइफ को डैमेज कर रहे हैं। जिस दिन आपने ये रियलाइज़ कर लिया, उस दिन आप इसको रिलीज़ करना शुरू करेंगे और आप खुश हो जाएंगे। नंबर टू, हैप्पी पीपल्स हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जो भी खुश लोग रहते हैं उनकी ये आदत होती है कि उनके रिश्ते, चाहे वो अपनी वाइफ के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और दोस्तों, ये कहा गया है कि किसी इंसान की गहराई को देखना है, उसकी गंभीरता को देखना है, उसकी असली सक्सेस को देखना है, उनके रिश्तों को देखो। आखिर उसमें कितनी मिठास है, उसमें कितना वजन है, उसमें कितनी डेप्थ है। और दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने जॉब से, अपने काम से, अपने हॉबी से थोड़ा समय निकालें और कुछ समय अपने रिश्तों को दें। आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत तब नहीं है जब वो बूढ़े हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे, उनको इसकी ज़रूरत आज है। उसी तरह से आपके माँ बाप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके मरने के बाद आप उनके लिए एक मंदिर बनवा दें। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जो टाइम उन्होंने आपको दिया है उसका 5% या 10% टाइम, क्वालिटी टाइम आप उनको दें। आप अपने स्पाउस के साथ घूमने के लिए जाएं, बच्चों के साथ हंसें, बोलें, माँ बाप के साथ इंजॉय करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी साइकी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो रही है। और दोस्तों, रिसर्च ये भी कहता है कि जिन लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं वो लोग लंबा जीते हैं, उनमें मेमोरी लॉस नहीं होता, उनमें मेंटल डिजीज़ कभी नहीं आता। इसलिए आज ही इस प्रैक्टिस को अपने लाइफ में आत्मसात करें। नंबर थ्री इज सर्विस। दोस्तों, हम सब के अंदर ये पोटेंशियल है कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, हम इस दुनिया को बेहतर कर सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए जो हमसे नीचे हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं। लेकिन जब भी हम इस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ से मिस करते हैं, उस समय हम फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, हैप्पीनेस हमसे दूर चली जाती है और हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ का मिशन ढूंढें। आप ये देखें कि आप इस धरती को क्या दे सकते हैं, आप किस तरह से इस प्लैनेट को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जानवर के लिए, यहाँ के वातावरण के लिए आप आखिर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और दोस्तों, जब कभी भी आप अपने आप से बाहर निकलकर इस दुनिया के लिए सोचना शुरू करते हैं, उसी सेकंड आपकी फुल पोटेंशियल जो है वो आपको हैप्पी बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों, मदर टेरेसा की स्माइल
इसके कारण नहीं है क्योंकि चर्च में वो एक प्रेस्ट थी या चर्च में काम करती थी, मदर थी। उनकी स्माइल का जेन्युइन कारण ये था कि वो सर्विस करती थी कुष्ठ पीड़ित मरीजों के लिए। दोस्तों, अब आप ये कह सकते हैं कि सर्विस तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। मैं ये कहता हूँ कि आप 1,00,000 रुपये डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर के किनारे खड़े किसी भिखारी को या भूखे को 2 रुपये तो दे सकते हैं। आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन किसी अंधे को सड़क तो पार करवा सकते हैं। कोई माताजी अगर लिफ्ट से नीचे आ रही हैं तो उनको पता नहीं चल रहा, तो उनके लिए एक बटन तो दबा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनको कि आप कर सकते हैं। और साइकोलॉजी का ये डीप रिसर्च कहता है कि जब भी आप किसी दूसरे के लिए कुछ भी करते हैं, उसी समय आप अपने ब्रेन को सक्सेस के लिए और हैप्पीनेस के लिए हार्ड वायर कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने काफ़ी डीप रिसर्च करके बनाया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए लाइव मेडिटेशन सेशंस करूँ और क्वेश्चन आंसर सेशन करूँ। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो नीचे यस लिखकर बताएं, और मैं एक फेसबुक ग्रुप का क्लोज लिंक दे रहा हूँ, क्लोज ग्रुप है वो, उस लिंक पे जाएं और उसको ज्वाइन करें। और बहुत जल्दी ही मैं वहाँ लाइव आऊँगा, आपके क्वेश्चंस भी लूँगा और इसके साथ साथ एक मेडिटेशन भी करवाऊँगा। दोस्तों, मेरा ये मिशन है कि मैं लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाऊँ, कुछ ऐसा करूं जिससे कि उनकी लाइफ में कोई तरक्की हो, ग्रोथ हो। मेरा ये उद्देश्य है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक करूं और ऐसी टेक्निक्स ईजाद करूं जिससे कि लाइफ के पिच पर लोग अपना बेस्ट गेम खेलें। और अगर आप इस मिशन में मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें ताकि किसी और की ज़िंदगी को बदल सके। थैंक यू।